जैसे पहले शुरू में कहा कि कई रीजंस रहे हैं, तो जैसे ही जैसे पवन बंसल ने अपना बिजनेस एम्पायर पार्टी के आड़ में बनाना शुरू करा, तो हम लोगों ने उस वक्त डीपीएस से अपोज करना शुरू करा था, जिसके कारण हमारे डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। पार्टी भी अपना दिल्ली में सुनवाई होती थी, कुछ बैलेंस करके चलते थे, तो अब उसको हम मैनेज कर लेते थे। पर अब सितंबर में जब 8 घंटे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पवन बंसल को 8 घंटे ग्रिल किया गया ईडी की तरफ से, उसके बाद उस उन्हीं को दिल्ली में ऑफिस में एक बड़ा बाबू बना के एक जिम्मेवारी दे दी गई, तो मुझे लगा कि ये वो कांग्रेस नहीं रही जो मैंने 1980 में ज्वाइन करी थी। उसी एक्शन के ऊपर मेरे को और अपने साथियों के साथ बैठ के जब फैसला किया, तो ये लगा कि ये वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जिस तरह यहाँ लोकल भी है, लोकल भी अपना एक फैमिली के आसपास घूमा जा रहा है, पवन बंसल जी फैमिली में अगर कोई नहीं है अपना माथा टेकता तो उसको कुछ बनाया नहीं जाता, वो मैं उसका एग्जांपल विक्टिम आपके सामने हूँ, 10 साल में मुझे कुछ नहीं किया, पर फिर भी मैंने उन बातों को नज़रअंदाज किया, वो ज़्यादा मेहनत अपना नहीं थी। मैंने अपने वार्ड के साथ जो जिस कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ काम करा लोग आज भी याद करते हैं, पर जब मुझे लगा कि ये ईडी की एक 8 घंटे ग्रिलिंग होने के बाद, जिसके बाद पवन बंसल जी ने एक बार भी कोशिश नहीं करी बताने की कि क्या रीजंस रहे हैं प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको बुला के 8 घंटे ग्रिलिंग हुई है और उसके बाद बड़ा बाबू बना दिया जाता है अफेयर्स को देखने के लिए, तो उस दिन मैंने डिसाइड करा हम लोगों ने पार्टी को छोड़ना। ऐसा वर्क दिक्कत ये है कांग्रेस पार्टी में नाम के लीडर रह गए हैं, वर्कर नीचे नहीं है। जो लोग ज्वाइन करेंगे आपको, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि वो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कार्यकर्ता हैं जिनको किसी को पता नहीं है पवन बंसल की फैमिली को। जब मैंने इतने चुनाव लड़ लिए, मुझे पता मेरे साथ टीम खड़ी है, बाकी जगह पे लोग लड़ रहे हैं, नीचे जो काम कर रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं है, बूथ वाले जो लोग हैं बूथ कमेटी मैनेज करते हैं उनको किसी को पता नहीं है कौन लोग हैं वो, यही तो प्रॉब्लम होगी थी कांग्रेस में। वो लोग अब धीरे धीरे आएंगे ज्वाइन करेंगे। और मैं एक बात अभी उससे इस मैच से पहले कही है, जो लोग साफ सब छवि वाले हैं जिनका डीएनए आम आदमी के साथ मिलता होगा, सिर्फ उन्हीं को मैं रिकमेंड करूंगा अगर साहब को कि उन्हीं को ज्वाइन किया जाए, बाकी किसी को नहीं ज्वाइन। कि मुझे जो दी गई है वो पार्टी को एमसी इलेक्शंस की तैयारी के लिए खड़ा करना है, वो जिसको भी कि मैं बखूबी पूरे दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन शहर में बिल्ड करी है यूथ कांग्रेस एन एस ओ, उसके बाद शायद आज तक कांग्रेस में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई वाइब्रेंट जो मैंने अपने टाइम पर बनाई थी। तो मेरे साथ जो टीम मेरे साथ आई है, बाकी लोग आएंगे, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहूँगा कि मैं कमिटमेंट के साथ इस शहर में आम आदमी पार्टी बिल्कुल अच्छे से चुनाव लड़ेगी। उसका जो अपना चुनाव होगा वो सीधा डायरेक्ट बीजेपी के साथ कंटेस्ट होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ।